तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है उसमें बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने और आज है शामिला और जुम्मा भी है। सो आप लोगों को जुम्मा मुबारक, अलविदा का जुम्मा है और ईद मुबारक एडवांस में मेरी तरफ से। तो अभी चलते हैं मेहंदी लगवाने, नमाज वगैरह पढ़ के सब फारिग हो गए थे, सफाइयाँ करके। मैं रात को बहुत लेट नाइट फारिग हुई थी तो फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो सका, तो वो वाला व्लॉग मतलब अलग सेपरेट अपलोड करूँगी और ये वाला न्यू व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है। तो बस हम लोगों को ये छोड़ेंगे, धूप बहुत है यार, धूप बहुत तेज़ है, ये हमें मेहंदी लगवाने के लिए छोड़ रहे हैं। हम मेहंदी लगवा के आते हैं तो देखते हैं कि क्या आज का दिन कैसा रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है मसरूफ़ रहने वाला है क्योंकि काफ़ी काम है यार, मतलब तारी वगैरह भी होगी, फिर देखते हैं। चलो जी तो यार अभी हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ रहा है। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं कितने घंटे का वेट है अभी। यहाँ तक ये कम्प्लीशन हो गई है अभी, अब देखो और मज़ीद कितना टाइम लगता है। ये पाँव की जो है वो अभी प्रोसेस में है मेहंदी, वो जब लग जाएगी पूरी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छी लग रही है ना, गुड नाइस। इस नायरा की मेहंदी लग गई है और ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत लगी है, कटवर्क वाली। मुझे तो ऐसी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, देखिए मेरी कैसी लगती है हाथ पर, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। Thank you.
हम लोगों की जो है वो मेहंदी कंप्लीट हो गई है और अंदर की नहीं हुई है, अभी अंदर लगवानी है। यहाँ तक का जो है वो प्रोसेस हुआ है दोनों हाथों पे, और जो है ना हमारा रोज़ा खुलने वाला है, तो अब हमने सोचा चलो यहीं पर ही रोज़ा खोल लें। तो अब हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं जिसके अंदर बिरयानी है, समोसे हैं, खजूर है और शरबत है। सो हमारा रोज़ा जो है वो पार्लर में खुल रहा है। गाइस अभी हम लोग बिल्कुल मेहंदी लगवा कर आए हैं, काफ़ी देर हो गई है, ईशा समझ लो हो गई है, 8:30 का वक्त हो गया है। और हम लोग जो है वो यहाँ पे पर्दे वगैरह डलवा रहे हैं, क्योंकि कल आप लोगों को दिखाया था ना व्लॉग में कि हम लोग पर्दे लेने के लिए गए थे, तो उसने कहा था भाई हम कल ही दे देंगे, तो फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि हम बनवा देंगे। तो आज ये बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल हम लोग भी साथ साथ चढ़े हैं और ये लोग भी पर्दे लेकर आ गए हैं, तो अब ये डालेंगे पर्दे, फिर आप लोगों को दिखाएँगे कि कैसा लुक आया। साथ आप लोगों को मैं मेहंदी भी दिखा दूँ, कंप्लीट हो गई थी मेहंदी, उस वक्त इतना टाइम नहीं बचा और हाथ भी इतने ज़्यादा गीले थे कि सही से शूट नहीं हो सका। बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त लग रहा है लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह से मैचिंग भी हो गए हैं और अच्छे भी बहुत लग रहे हैं। वाओ, आप लोगों को मैं लुक चेक करवा रही हूँ ड्राइंग रूम का, कितना ज़बरदस्त लुक आया है यार, वाओ बहुत ही खूबसूरत जो है वो ड्राइंग रूम हमारा बन के तैयार हो गया है। और ये बहुत अचानक अर्जेंट में हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। सो मैंने कहा यार पूरा व्लॉग बनाया है तो फिर आखिरी कंप्लीशन भी करनी है ना, तो यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि 12:30 हो रहे हैं इस वक्त और सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने भी जाना होगा इन लोगों को, तो फिर उठना होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे शेयर करेंगे कि ईद पे क्या क्या पहना और मेरा जो ईद का सूट है ये सब चीज़ें इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
नौकरी जो आए हैं उसके की जगह नहीं आएगी, पूरा हाथ भर जाएगा। इसको ठंडा लग रहा है। अभी वो ऊपर क्लीन करूंगी ना। पकड़ी रहे पकड़ी रहे। अब उंगलियां भी नहीं लगाइएगा, पहले ये धुलवाएंगे उसके बाद लगाइएगा। गाइस हम लोग गए थे अभी लेने के लिए बर्गर, क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी। तो आज चांद रात की जो है वो रात है, चांद रात की रात है। आज जो है वो आखिरी जो है वो हमारा रोज़ा था और आज चांद रात है। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज हम बर्गर खा लेते हैं। तो ये आतिन ने जो है वो मंगाया है अभी। हाँ यार फ्रेंच फ्राइज भी नहीं आए। और ये जो है वो आबिर का है और ये वाला मेरा है। और ये वाला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला ग्रिल्ड है। वाओ नहीं यार फ्रेंच फ्राइज मतलब ज़रा से भी नहीं दिए। मैं पिन लगा हुआ था पिन का।